Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Today we will discuss quadrilateral in Cartesian plane. Before starting this lecture, first of all, we will discuss about some relevant shapes. देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इस तरह की लाइन मौजूद है ना, तो आप देखें ये लाइन है, ठीक है। इसका नाम लाइन इस वजह से है क्योंकि देखें दोनों साइड पे एरोज मेंशन है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसी शेप में जस्ट एक साइड पे एंड पॉइंट और दूसरी साइड पे एरो हेड मेंशन कर देते हैं, तो ये बेसिकली रे बनती है, ठीक है। और अगर हम दोनों साइड पे एंड पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं ना, तो बेसिकली इन एंड पॉइंट्स की वजह से इसको हम हमेशा लाइन सेगमेंट डिफाइन करते हैं। तो जितनी भी हमने अभी तक एक स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशंस देखी, तो अगर दोनों साइड पे एरोज आ रहे हो तो लाइन, इसका मतलब है लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ठीक है। अरे हैज वन एंड पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, और लाइन सेगमेंट हमेशा हम मेयर कर सकते हैं, लेकिन रे और जो लाइन है इन दोनों की मेयरमेंट नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और रे का जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ सिंगल है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी कुछ शेप्स जो प्लेन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और प्लेन क्या है, अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं ना, मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूं करके आप अगर कंसीडर करते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो इसको हम ओ मींस ओरिजिन डिफाइन करते हैं। दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम यहाँ कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लाइन रे या लाइन सेगमेंट हमेशा हम कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे। तो जब कोई दो पॉइंट आपके पास किसी कार्टेशियन प्लेन में लाए कर रहे हो, तो बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई तीन पॉइंट्स हो ना, जैसे यहाँ पे तो ए बी था, अगर इसी तरह कोई तीन पॉइंट्स लाई कर रहे हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हो। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हो तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो रेंडम लाई कर रहे हो कार्टेशियन प्लेन पे, मतलब नॉन कोलिनियर हो, तो वो हमेशा ट्राइंगल को या किसी ट्राइंगल की किसी कैटेगरी को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब तीन पॉइंट से कुछ शेप इसी तरह कार्टेशियन प्लेन, मतलब जितनी भी शेप्स हम डिफाइन कर रहे हैं ना, वो कार्टेशियन प्लेन से रिलेट कर रही हैं कि हम ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन में कर रहे हैं। तो जब तीन पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में लाए करेंगे ना, तो उन तीनों को जब आप ज्वाइन करेंगे, तो हमेशा आपके पास ट्राइंगल बनेगी तब जब आपके पास ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। और अगर ये कोलिनियर होते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये तो था तीन पॉइंट्स के लिए। अगर कोई पॉलीगोन शेप फोर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो बेसिकली उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन कंसीडर करते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे रैंडम कोई चार पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, बेसिकली हम रैंडम ले रहे हैं, ठीक है। जब आप इन चारों पॉइंट्स को ना रेगुलर वे में ज्वाइन करेंगे, जैसे ए को बी से, फिर आप बी को सी से ज्वाइन कर लें, सी को डी से ज्वाइन कर लें और डी को ए से ज्वाइन कर लें, तो ये जो शेप आ रही है वो फोर साइडेड आ रही है। इट मींस जब आप फोर पॉइंट्स कंसिडर करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, उन फोर पॉइंट्स से जो बनने वाली शेप है वो क्वाड्रिलेटरल होगी, ठीक है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल तब होगी जब आपके पास ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई एकद पॉइंट भी कहीं पे कोलिनियर की कंडीशन को वेरीफाई कर देता है ना, तो बेसिकली जो शेप बनेगी वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी, ठीक है। क्या मतलब है मेरे कहने का, ऐसा करते हैं हम एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसमें कोई से चार पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, वन टू थ्री और फोर यहाँ ले लें, ठीक है। मैं इसको ए बी सी मार्क करती हूँ और इस पॉइंट को मैं डी मार्क कर रही हूँ। अगर आप ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ए से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आप खुद देख सकते हैं ए बी सी थ्री पॉइंट्स आर लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीन नॉन कोलिनियर नहीं है ना बेसिकली, तो बेसिकली ये जो डी पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर जरूर है, बट ए बी सी अगर कोलिनियर है तो उसकी वजह से ये जो शेप है वो ट्राइंगल बन गई है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल शेप के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जो चार पॉइंट्स आप कार्टेशियन प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं वो सब के सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। अब हम मूव करते हैं क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पे।
कॉल्ड रिलेटर, ठीक है, बेसिकली अ क्लोज्ड फिगर इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अगर इसमें ये जो वर्ड फोर है उसके साथ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ना लिखा हो ना, तो वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, क्योंकि अगर उनमें से कोई सा भी पॉइंट कोलिनियर हो जाता है ना, जैसे सी ए और बी पे कोलिनियर है, ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो बेसिकली वो फिर एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रिलेटर नहीं होगी। तो एक ऐसी क्लोज शेप जो कि प्लेन पे इस तरह ड्रॉ हो रही हो कि फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हो, तो बेसिकली वो शेप आपके पास हमेशा क्वाड्रिलेटरल शेप होगी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप की अब दो कंडीशन है, एनी फोर साइडेड फिगर, ठीक है, फोर साइडेड फिगर होती है, अगर फोर साइडेड है तो कंफर्म है कि वो फोर वर्टिसेस होंगी इसकी, और साथ वो जो फोर वर्टिसेस है ना वो सब की सब नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर उनमें से एकद भी पॉइंट कहीं पे कोलिनियर किसी साइड पे हो जाता ना, तो बेसिकली वो शेप क्वाड्रिलेटरल नहीं रहेगी। ठीक है, अब जब हम क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर लेते हैं ना, तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी फोर साइडेड फिगर होती है, तो क्वाड्रिलेटरल की आगे से भी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे ट्राइंगल की हमने टाइप्स डिस्कस की हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में दो शेप्स मजीद एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है पैरेललोग्राम और एक हमारे पास स्क्वायर रूट, फिर रेक्टेंगल या रोम्बस शेप भी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की जो बेसिक फॉर्म है ना उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल अगर तो हमारे पास इस तरह एग्जिस्ट कर रही है कि इसकी दो दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब ये जो स्लैशेस हैं वो मैंने इक्वालिटी के लिए मेंशन किए हैं, और अगर पैरेलल भी हैं तो इस शेप को हम पैरालेलोग्राम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह शेप आ रही है कि दो ऑपोजिट साइड जस्ट इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल होने के साथ पैरेलल भी हैं, और उनमें यहाँ पे एंगल 90 का आ रहा है, अगर एंगल 90 का भी आता है ना, तो बेसिकली फिर ये कंडीशन रेक्टेंगल की बन जाती है। ठीक है, फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि चारों की चारों साइड्स इक्वल आ रही हो, अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल आ रही हो और यहाँ पे एंगल 90 का आ रहा, तो इस शेप को हम कहते हैं ये स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल हो लेकिन आपके पास एंगल 90 ना हो, ठीक है, तो फिर जो शेप आपके पास बनेगी ना उसे हम कहते हैं रोम्बस शेप है। तो बेसिकली ये थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि आपके पास ये पैरेललोग्राम भी हो सकती है और रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस भी हो सकती है। अब हम वन बाय वन इनकी सब कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे कि ये किस किस कैटेगरी से बेसिकली बिलोंग करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में कोई भी क्वाड्रिलेटरल फिगर जो है उसको हम कैसे चेक करते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है।